राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जामिया नगर स्थित इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में बुधवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा से मिली जानकारी के मुताबिक आग लगने की इस घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 10 कारें, एक मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 30 नए ई रिक्शा और 50 पुराने ई रिक्शा जलकर राख हो गए। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक जामिया नगर में एक इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग बनी है, जहां पर ई रिक्शा को चार्ज किया जाता है। बुधवार सुबह वहां से धुआं निकलता देखा गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक भीषण आग लग गई थी।